Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. Hello and welcome to yet another online lecture on electrical machines. This is Muhammad Owais, your course instructor. The first topic of today's lecture is parallel operation of transformers. Okay students, so parallel operation ki hame zarurat kyun padti hai? And what is parallel operation? As the name itself suggests, ki aap ek transformer ke saath ek dusre transformer ko parallel mein connect kar lijiye. But why would we need this? Iski peeche reason kya ho sakti hai? अगर आप अपने आसपास देखें, अपने मोहल्ले में देखें, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली जब भी लगाए जाते हैं या एक्चुअली, तो पहले क्या होता है कि द फर्स्ट फेज इज के पहले कैलकुलेशन की जाती है कि ओवरऑल मोहल्ले का लोड कितना है, ठीक है, कितने हाउस होल्ड हैं और कितनी रिक्वायरमेंट होगी, और एज पर द डिज़ाइन, एज पर द इंफॉर्मेशन एंड दैट इज कलेक्टेड थ्रू सम सर्वेस, यू गेट टू नो कि ओके जी यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली एक सर्टेन रेटिंग का ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर लेते हैं. बट लेट्स सपोज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आबादी बढ़ी, फॉर इंस्टेंस आप कराची की बात करें, तो आपके पास एक सर्टेन एरिया के अंदर अगर आबादी बढ़ी, नए प्लॉट्स जो पहले खाली प्लॉट्स थे उनमें घर बने, और अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन जो पहले की गई थी वो उससे ज़्यादा लोड बढ़ गया, तो ऐसी सूरत में जो फिर यूटिलिटी है जो कि कई है हमारे केस में, तो उनको फिर क्या करना पड़ता है, तो उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन ये है कि एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा लिया जाए, ठीक है, लेकिन एक और जो ऑप्शन है वो ये है कि इसी ट्रांसफार्मर के साथ एक और ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया जाए, ठीक है. तो बेसिकली जो हमारे पास ये ऑप्शन है, ये हम किस लिए यूज कर रहे हैं, हमारे पास पावर डिमांड बढ़ती है, ठीक है, कि जैसे कि पावर डिमांड कह रहे हैं, आप लोड कह रहे हैं, जैसे ही हमारे पास लोड बढ़ा तो अब हमारे पास जो पहले से इंस्टॉल जो ट्रांसफार्मर है वो उस कैपेसिटी का नहीं है, इस वजह से अब हमें ज़रूरत पड़ जाती है एक नए ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करने की. तो एक तो ये इस प्रॉब्लम को जो हमारा था कि हमारा लोड बढ़ चुका है, हम इस तरीके से कैटर कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं, ठीक है, बेसिक मकसद तो यही होता है, लेकिन इसके अलावा इस साथ साथ क्या हमें एड ऑन्स मिलते हैं, क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या हमारे पास एडिशनल सिक्योरिटी मिल जाती है या रिलायबिलिटी मिल जाती है. इसका मतलब क्या है कि आप चूंकि लोड आपके पास शेयर हो रहा होगा ट्रांसफार्मर्स के दरमियान, तो अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस किसी वजह से ट्रांसफार्मर का फेलियर हो गया एक ट्रांसफार्मर में, या उसकी मेंटेनेंस ड्यू हो गई है, शट डाउन करना पड़ रहा है आपको उस ट्रांसफार्मर को, वहां पे रोकना पड़ रहा है काम करने से, तो उस सूरत में आपके पास एक दूसरा ट्रांसफार्मर अवेलेबल है, ठीक है. तो उस सूरत के अंदर फॉर इंस्टेंस अगर आप दिन के टाइम पे कर रहे हैं, जिस वक्त हमारे पास लोड कम होता है, तो हम लोड को ट्रांसफार्मर वन के ऊपर या टू के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है, और दूसरे ट्रांसफार्मर को हम ऑफलाइन ले जा सकते हैं फॉर मेंटेनेंस, फॉर एनी अदर इशू, ठीक है, फॉर रिमूविंग ओवरकमिंग एनी फॉल्ट्स, ठीक है. साथ साथ इसके अलावा हम बाद में भी, एक पॉसिबिलिटी है कि अभी हम बाद में फ्यूचर अपनी जो पावर डिमांड है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी अगर हमने अभी प्लान किया है कि हमारे पास लोड कम है, लेकिन अगर बाद में दोबारा लोड और मजीद बढ़ जाते हैं, तो वो ट्रांसफार्मर हमारे लिए एक्चुअली यूजफुल साबित होगा. तो ये हमारे पास कुछ रीजन होते हैं पैरेलल ऑपरेशन की तरफ जाने के लिए, ठीक है. तो लेट्स सी कि जब हम ये पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है. आइडिया इज गुड, बट यू हैव टू बी केयरफुल दैट सर्टेन कंडीशंस आर मेट, ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी इश्यूज. वो क्या कंडीशंस हैं, लेट्स फाइंड दोज आउट. तो वो कंडीशंस जिनकी हम बात कर रहे थे वो क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशन जो मैं कर रहा हूँ पैरेलल ऑपरेशन, ये स्मूथ रहे और एक ऑप्टिमम तरीके से हो, यानी इससे कोई फायदा हो हमें, ऐसा ना हो कि करने की वजह से कुछ और इश्यूज आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है जिनका ध्यान रखना पड़ता है. वो कौन सी कंडीशंस हैं, जो मेजर कंडीशंस हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है. जो पहली कंडीशन है उनमें वो है मेरे पास सेम वोल्टेज रेशो, यानी जो ट्रांसफार्मर जो मैं दोनों यूज कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर T1 एंड ट्रांसफार्मर T2, लेट सपोज ये अगर T3 T4 जितने भी हैं, उन तमाम के तमाम ट्रांसफार्मर्स का जो वोल्टेज रेशो होना चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ठीक है,
जिसको हम टर्न रेशियो भी कह रहे थे, ठीक है, वोल्टेज रेशियो हैज टू बी सेम। यानी अगर मैं प्राइमरी पे एक सर्टेन वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ तो सबकी सेकेंडरी के ऊपर जितनी भी ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनकी सेकेंडरी पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से पोलैरिटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पोलैरिटी को अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पोलैरिटी भी दोनों की सेम होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जो जिन जिन ट्रांसफॉर्मर्स को आप ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, ऐसा ना हो कि आपने पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लिया। अगला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हम पूरा एक न्यूमेरिकल देखेंगे, विच इज यू नीड टू हैव सेम पर यूनिट इंपेडेंस एंड अलॉन्ग विद दैट यू वांट टू मेक श्योर के रेशियोज जो है रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस वो सब ट्रांसफॉर्मर्स के आइडेंटिकल हों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर यूनिट इंपेडेंस वाला, ठीक है। तो जब हम आगे चल के देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आखिरी जो पॉइंट है सेम फेज सीक्वेंस, ये बेसिकली सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स के लिए वैलिड नहीं है। हम ये बात करते हैं जब हमारे पास पॉलीफेज जैसे कि थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स हैं तो तब हम ये फेज सीक्वेंस की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे मेरे पास एक थ्री फेज सिस्टम में तीन फेजेस होते हैं जो कि 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। तो देयर यू हैव टू मेक श्योर कि जो फेज हैं उनका फेज सीक्वेंस बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। और ये क्या होता है, एक्चुअली इट इज द ऑर्डर इन विच द फेजेस रीच देयर मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज। और अगर आप इस चीज से ख्याल नहीं करेंगे तो आपके पास होगा क्या कि जो फेजेस के जो पेयर हैं वो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ठीक है, एंड दैट यू नेवर वुड लाइक टू हैपन। तो इन चीजों का हमें ख्याल करना पड़ेगा। इस वक्त हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो हम इस फेज सीक्वेंस वाले पॉइंट को मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए अब अगली स्लाइड के अंदर अपने इन तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन टू हैव ऑप्टिमम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स इज दैट ऑल द ट्रांसफॉर्मर्स मस्ट हैव द सेम वोल्टेज रेशियो। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव द सेम वोल्टेज रेशियो? इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ इट दिस इज नॉट द केस, इफ द वोल्टेज रेशियोज आर नॉट सेम, देन फॉर अ गिवन प्राइमरी you shall have different voltages at the secondaries, okay, and that would actually result in a closed loop form in which current will be circulating, and that circulating current actually leads to more I square R losses, okay, and this has to be avoided. So for that let me show you a figure jisse aapko thoda sa zyada clear ho jayega. Have a look. By the way, this is from Charles Hubert. This is let's suppose a certain primary which I have applied. This is my transformer 1 or A, this is my transformer B, and you should know what are this these H1, H2, X1, X2. I hope you have already kar chuke hain, theek hai, in your lab 1 of electrical machine, which is also online by the way, okay. So this is representing my high voltage side and this is representing my low voltage side. So you can see that the two transformers, if the secondary voltages are different, let's suppose this voltage, the voltage at this point, this is it, yeah, EA. So if this is the secondary voltage for transformer A and this is the voltage for transformer EB or transformer B, this for instance, if this EB is, let's suppose, less than EA, and how would that be possible? Agar aapke paas turns ratio inka jo hai voltage ratio different hai. फॉर इंस्टेंस ये इस ट्रांसफॉर्मर ने रिलेटिवली कम स्टेप डाउन किया है या कम स्टेप अप किया है, तो उस केस में क्या होगा कि वोल्टेज एट द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर ए विल बी हायर देन द वोल्टेज एट द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर बी, विच मीन्स ई ए विल बी हायर देन ई बी। सो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो आपके पास होगा क्या, आपके पास आप देख सकते हैं जो डॉटेड दिखाए हुए, एक करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना from secondary of transformer A into the secondary of transformer B and back into the secondary of transformer 1. So there is a closed loop which you can see. And ho kya raha hai ki aapke paas unnecessary current flow karna shuru kar raha hai jo ki transformer ko heat up karega apart from the other issues. क्योंकि जब आप ये लोड कनेक्ट करेंगे, सो लोड कनेक्टेड नहीं है, when you connect the load, तो आप भी आपके पास होगा क्या कि यहाँ पे इजाफी करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है, which will actually overload one of the transformer. So this condition has to be avoided always. And this is the current, this current is given by simply EA minus AB, difference of potential divided by the total impedance in the path. So students, we have to make sure that this condition is always satisfied. I hope this is now clear to you that why we need this certain condition.
Okay, for polarity, which is the second condition, I hope that you are aware of the polarity. If not, please go through the machines lab, which is available online. Okay, so your teacher has uploaded it online on YouTube. Go through this lab as well. And if you do not remember, then you will get an idea about how to find out the polarities and what do we mean by the polarity of a transformer. And so I believe that you also are aware of the fact that these polarities can be additive and these can be subtractive. So for instance, this is an additive polarity. कैसे पता चल रहा है अगर ये H1 X1 diagonally है दिखाए में आपके पास symbol के अंदर that means the transformer has additive polarity. अगर आपके पास ये same यहाँ पे एक साथ adjacent लगे हुए हैं तो this means actually subtractive polarity. Same has been shown in this figure. So why do we need a same polarity? The issue is you have to make sure that transformers are connected properly. Okay, the two transformers. Particularly, you have to pay attention to the polarity of each transformer, so that only terminals which have same polarity gets connected with the other transformer at the same point. Any positive ko apne positive ke saath lagaya hua hai, aur negative ko apne negative se lagaya hua hai. Theek hai? So agar aap yahan gaur kare jaise yahan pe dikhaya hua hai aapko, to transformer a ko agar aap dekhte hain to isme kya subtractive polarity hai, theek hai? So hum yun keh sakte hain ki x1 mere paas yahan pe aa raha hai, theek hai, aur ye mere paas kya hai, this is additive polarity irrespective of the fact maine kya kiya hai, maine x1 ko simply x1 ke saath connect kiya hai, theek hai, aur x2 ko maine x2 ke saath connect kiya, theek hai. Again, this is actually from Theodore Wildi, जो हमारी एक reference book है, आप वहाँ से आप देख सकते हैं. So you have to make sure that polarities are connected properly. Otherwise होगा कि आपके पास ये circuit आपको यहाँ पे भी एक दिखाया हुआ, ठीक है, एक दूसरा circuit है. X1 is connected with X1 and X2 is connected with X2. ठीक है. So make sure that these are connected properly. Otherwise there will be a short circuit. ठीक है. Short circuit हो जाएगा और no load will be fed. आप जितना load लगा लें, load में भी current नहीं flow कर रहा, आपके पास यही short circuit हो गया. So we have to make sure that this condition is also avoided. तो अब जो मेरी अगली condition है, ये एक बहुत ही important condition है और ये आमतौर पे हमें समझ में नहीं आती. तो उसके लिए मैं आपको एक example कराऊंगा जिससे आपको ये चीज़ इंशाल्लाह बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी. We say that the transformers must have same per unit impedance. ठीक है, ये per unit impedance का मतलब क्या है? Actually इसको समझने के लिए just assume that we have a transformer जिसकी एक certain capacity है, इसकी apparent power capacity है let's suppose 250 kVA, ठीक है? तो let's suppose हमारा load बढ़ा, तो अब हमें 250 kVA की जगह अब हमें जाना पड़े 300 kVA के लिए. तो हमने क्या किया कि हमने एक और transformer लगा लिया let's suppose 100 kVA का parallel operation करने के लिए. so अब क्या करना है मुझे, I have to make sure कि दोनों transformer मैं use कर रहा हूँ, ये दोनों के दोनों इनकी पर यूनिट इम्पिडेंस सेम हो. ठीक है, क्यों सेम हो? अच्छा, ये शर्त नहीं है कि आपके पास पैरेलल ऑपरेशन के लिए जो कैपेसिटी है इनकी वो सेम ही हो. ठीक है, यानी आप ये नहीं चाहते कि उनकी पावर रेटिंग सेम ही हो. अगर 250 केवीए के तो उसको 250 केवीए के साथ ही करें, ये शर्त नहीं है कंडीशन. आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, बट जनरली ऐसा होता नहीं है. ठीक है, सो लेट सपोज मैं 100 केवीए का उसके साथ ट्रांसफार्मर लगा रहा हूँ, तो अब पर यूनिट इम्पिडेंस होने का मतलब क्या है, सेम होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप दोनों ट्रांसफार्मर्स लगा लेंगे लेट सपोज, और तो अब क्या होगा कि ये दूसरा ट्रांसफार्मर आपने क्यों लगाया है, लोड को शेयर करने के लिए. ठीक है, लेकिन रिमेम्बर वो जो दूसरा ट्रांसफार्मर आपने लगाया दैट इज अ रिलेटिवली स्मॉलर ट्रांसफार्मर, उसकी कैपेसिटी कम है. तो आपको करना ये होता है कि दोनों ट्रांसफार्मर्स को आप नॉमिनल रेटिंग के ऊपर ऑपरेट करें, नॉमिनल करंट के ऊपर लेट सपोज. सो आपको ये ख्याल करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा लोड ट्रांसफार्मर टू जो कि छोटा ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर चला जाए. ठीक है, और वो ज्यादा लोड को उसे बेयर करना पड़ रहा हो एज कम्पेयर टू ट्रांसफार्मर वन, क्योंकि ट्रांसफार्मर वन जो मेरा मेन ट्रांसफार्मर है वो ज्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर है. ठीक है, तो हम ये वी हैव टू मेक श्योर कि वो ऑप्टिमल ऑपरेशन हो. ठीक है, अगर आप इस चीज का ख्याल नहीं करेंगे पर यूनिट इम्पिडेंस सेम रखने का, तो यू विल हैव दिस प्रॉब्लम कि लोड शेयरिंग विल नॉट बी प्रोपोर्शनेट. ठीक है, सो उसके लिए अगली स्लाइड पर हम एग्जांपल शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वहां पे आपको बहुत आसानी से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा. साथ साथ जो आपके पास जो रेशियो है रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का, आपको अवॉइड करना है कि इस रेशियो को
डिफरेंट ना हो आपस में, ठीक है, अदरवाइज अगेन सर्कुलेटिंग करंट होगा और वो इश्यू आना शुरू हो जाएंगे आपके पास जो पीछे आ रहे थे, ठीक है. सो कंटिन्यूइंग विद द कंडीशन ऑफ हैविंग सेम पर यूनिट इंपेडेंस, ये यहाँ पे एक आपको एक मॉडल दिखाया हुआ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का. दिस इज माई ट्रांसफॉर्मर और ये मेरे पास जनाब लोड है जेड एल, ये मेरे पास प्राइमरी साइड है और दिस इज माई प्राइमरी वोल्टेज. बाय द वे ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ दिस इज फ्रॉम फेडोर विल्डी. अच्छा जी, अब मुझे मालूम है कि ट्रांसफॉर्मर को अगर मुझे एलिमिनेट करना हो, इस सेकेंडरी इम्पिडेंस को प्राइमरी के ऊपर मॉडल रेफर करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. सो अब मेरे पास यहाँ पे ये एक मॉडल आ गया विच हैज बीन रेफर टू प्राइमरी साइड, और यहाँ पे जो मेरे पास इम्पिडेंस भी है ये क्या है, ये मेरे पास ये प्राइमरी इम्पिडेंस है और ये मेरे पास रेफर्ड इम्पिडेंस है, ठीक. अब लेट सपोज मेरे पास एक नहीं बल्कि दो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ठीक है, तो मेरे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, जब मैं उनके लोड को प्राइमरी के ऊपर रेफर कर लूंगा तो वो कंडीशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, जो आप देख सकते हैं यहाँ फिगर के ऊपर, जो फिगर मैंने यहाँ नीचे बनाई हुई. अब दिस इज जेड पी वन इज फॉर इंस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर वन, इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर वन, एंड दिस इज द इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर टू, एंड अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ करंट फ्लो कर रहा है आई वन एंड आई टू, ये दोनों इम्पिडेंसेज आपस में पैरेलल में है, ठीक है. ओके, सो मुझे मालूम है कि यहाँ पे एक सर्टेन वोल्टेज ड्रॉप होने जा रहा है, ठीक है, एंड आई नो कि दैट वोल्टेज इज इक्विवेलेंट टू सिंपली करंट इनटू इंपेडेंस. सो अगर ये वोल्टेज ड्रॉप जो है 0.123 वो सेम होना ऐसे ही है ना. सो अगर मैं इस इंपेडेंस की बात करूं या इस इंपेडेंस की बात करूं, दोनों के अक्रॉस सेम ही वोल्टेज ड्रॉप होना है. सो हम वोल्टेज के रिलेशन को आपस में इक्वेट कर लेंगे इन दोनों इंपेडेंसेस के. सो व्हेन यू डू सो दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है, ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंपेडेंस पी वन जेड पी वन एंड दिस इज अक्रॉस इंपेडेंस जेड पी टू. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू गेट दिस कंडीशन, बट साथ साथ हमारी एक डिजायर्ड कंडीशन है, ठीक है, और वो डिजायर्ड कंडीशन क्या है, वो ये कंडीशन है. व्हाट आई वांट टू मेक श्योर, ये मुझे क्या बता रहे हैं कि आई वन मेरे पास जो लोड है ट्रांसफॉर्मर वन से, फॉर इंस्टेंस इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इट्स अपेरेंट पावर, यानी जो बड़ा ट्रांसफॉर्मर है वो ज्यादा करंट प्रोवाइड करे, जो ट्रांसफॉर्मर जो मेरे पास रिलेटिवली छोटा ट्रांसफॉर्मर है वो कम करंट प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है. और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है कि जब मेरे पास इनकी पर यूनिट इंपेडेंस सेम हो, ठीक है स्टूडेंट्स. चलिए जी, तो अब वो मेरे पास न्यूमेरिकल आ चुका है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था. दिस इज फ्रॉम थियोडोर विल्डी, ठीक है, ये मैं अपलोड कर दूंगा एलएमएस के ऊपर, ठीक है, वरना आप चाहें तो इंटरनेट से खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं. दिस इज एग्जाम्पल 1011, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ठीक है. हमसे कहा गया है कि वी हैव 100 केवीए ट्रांसफॉर्मर विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एन एग्जिस्टिंग ट्रांसफॉर्मर 250 केवीए रेटिंग. तो इनिशियली ये 250 केवीए का ट्रांसफॉर्मर लोड प्रोवाइड कर रहा है, अब किसी वजह से जरूरत पड़ गई तो हमने 100 केवीए को पैरेलल में लगा दिया. आप देख सकते हैं कनेक्शन बिल्कुल आपस में X1 से कनेक्टेड है, X2 के साथ कनेक्टेड है. ये एग्जाम्पल हमने पीछे भी देखी थी वैसे. ट्रांसफॉर्मर्स आर रेटेड 7200 volts and 240 volts. This means a primary side is 7200 and secondary is 240 volts. ठीक है? This ensures that कि दोनों की जो polarity जो voltage ratio है वो same है. ठीक है? दोनों transformer का. तो दोनों side के ऊपर मुझे 240 volts ही मिलनी है. Otherwise circulating current आ जाने. ठीक है students? I hope ये clear है, हमने पिछली slide में discuss किया था. But यहाँ पे एक बहुत serious problem. अभी शायद दिखने में नजर ना आए. हमसे कहा गया कि जो 100 केवीए का जो ट्रांसफॉर्मर है इसकी जो पर यूनिट इंपेडेंस है, ठीक है, इंपेडेंस जो है सॉरी वो 4% है, या पर यूनिट इंपेडेंस कह रहे हैं वो 4% है इसकी, ठीक है, 4%. व्हाइल द 250 केवीए ट्रांसफॉर्मर हैज एन इंपेडेंस ऑफ 6%. तो जो इनकी पर यूनिट इंपेडेंसेज है वो डिफरेंट हो गई है. तो अब मुझे और आपको देखना होगा कि इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, ठीक है. तो लेट्स फाइंड आउट कि हमसे पूछा क्या गया है. यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जनाब आप लोग नॉमिनल प्राइमरी करंट ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर निकालें, ठीक है. नॉमिनल प्राइमरी करंट, नॉमिनल करंट निकालने का तरीका क्या होता है कि जो रेटेड वैल्यूज गिवेन है उसी के ऊपर आप जो उसकी पावर गिवेन है आपको, पावर कहाँ है आपके पास, पावर आपको गिवेन है. फॉर इंस्टेंस ट्रांसफॉर्मर इसकी बात करते हैं तो 250 केवीए और इसका वोल्टेज प्राइमरी पे 7200 वोल्ट है. तो हमें मालूम है कि एस इज इक्वल टू सिंपली
एस का अगर आप रिलेशन अप्लाई करें ठीक है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, एस इक्वल्स टू वी इन टू आई, दैट्स इट, और उससे आपको करंट मिल जाएगा ठीक है। दोनों ट्रांसफॉर्मर्स पे अप्लाई कीजिएगा एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ दिस पार्ट ए ठीक है। बाय द वे दिस इज योर होम टास्क, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हियर, बहुत आसान प्रॉब्लम है ठीक है। हो सकता है बुक में आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे, तो मैं आपसे कहूँ कि आप बुक का सोल्यूशन मैनुअल न देखिएगा, बल्कि जो पीछे हमने खुद पढ़ा हुआ है उसको देखकर डायरेक्टली अप्लाई कीजिएगा ठीक है। फिर हमसे कहा गया कि जी ट्रांसफॉर्मर की इम्पीडेंस निकालें, लोड की सॉरी, रेफर टू प्राइमरी साइड। तो आपने करना क्या है कि इस ये आपके पास लोड है ठीक है, आपको मालूम है लोड की पावर रेटिंग क्या है, आपको मालूम है लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, तो आपको मालूम है कि एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जेड का रिलेशनशिप अप्लाई कीजिए, आपको इम्पीडेंस मिल जाएगी सेकेंडरी साइड के ऊपर, उसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे और आपको इम्पीडेंस मिल जाएगी रेफर टू प्राइमरी साइड। आई होप दिस इज क्लियर। सो आपने खुद ही करना है स्टूडेंट्स, मैं आपको सोल्यूशन नहीं दूंगा इसका डायरेक्ट। इसी तरीके से आपको इम्पीडेंस निकालनी है ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर रेफर टू प्राइमरी साइड, सेम ये रिलेशन अप्लाई करें जो आपने सेकेंडरी पे लगाया था, अब प्राइमरी पे लगा लीजिएगा ठीक है। तो आपने ट्रांसफॉर्म, अब आपके पास चूंकि ट्रांसफॉर्मर्स की रेटिंग अलग अलग है, एक 250 केवीए का एक 100 केवीए का है, तो आपके पास दोनों की अलग अलग इम्पीडेंसेस निकलेंगी, अगेन यूजिंग द सेम रिलेशन ऑफ अपेरेंट पावर विद इम्पीडेंस एंड द वोल्टेज ठीक है स्टूडेंट्स। फाइनली यू विल बी आस्क्ड, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द प्राइमरी करंट इन ईच ट्रांसफॉर्मर, इन ट्रांसफॉर्मर्स में करंट कितना फ्लो कर रहा है ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये स्टूडेंट आपने करना है, तो फिर हम ये कर क्यों रहे हैं अगर ये आपने करना है, जो हमने करना है वो अगली स्लाइड पे हमने इसका जो रिजल्ट है उसको डिस्कस करना है ठीक है। सो लेट्स डू दैट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट दिखाए गए ठीक है, जैसे मैंने कहा है कि आपको ये खुद करना है और इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह पिछले कॉन्सेप्ट्स की। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, ZP1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे पास, ये मेरे पास एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज माय ट्रांसफार्मर नंबर 1 जो कि 250 केवीए रेटिंग का था ठीक है मेरे पास, और ZP2 मेरे पास ट्रांसफार्मर T2 है जो कि 100 केवीए का था। अच्छा जी, इम्पीडेंसेस यहाँ पे निकाल लिए हमने जो हमसे पूछी गई थी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अगर आप गौर करें, पहले पार्ट में हमसे कहा था कि जी नॉमिनल करंट मालूम कीजिए, ये रहा नॉमिनल करंट ट्रांसफार्मर 1 का 34.7 एम्पीयर, जबकि ट्रांसफार्मर 2 का जो नॉमिनल करंट है वो कितना है 13.9 एम्पीयर, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। सो ये नॉमिनल करंट वो करंट होते हैं जिसपे ट्रांसफार्मर डिजाइन किए होते हैं कि आप मैक्सिमम इस रेटिंग के ऊपर काम करें ठीक है, नॉमिनल रेटिंग्स पे। अब अगर आप इससे ज्यादा जाएंगे और रेटिंग को बढ़ाएंगे तो एक्चुअली आप ट्रांसफार्मर को, आपकी जो भी डिवाइस है आप उसको ओवरलोड कर रहे हैं, जो कि हमें अवॉइड करना होता है। तो आपको यहाँ आपने इफ यू हैव रियलाइज कि आपको यह नजर आ रहा होगा कि ट्रांसफार्मर 1 जो है, जो 250 केवीए ट्रांसफार्मर है, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज लेस देन 28 लेस देन द नॉमिनल करंट। नॉमिनल वॉज 34.7 एम्प्स, दिस इज 28.8, सो रफली अराउंड 20-25% का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कम अज कम ठीक है इन वैल्यूज के अंदर। तो ये ट्रांसफार्मर तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दूसरे ट्रांसफार्मर पे अगर गौर करें, IN2 जो कि मेरा छोटा ट्रांसफार्मर था, दिस इज नाउ ऑपरेटिंग एट अ करंट विच इज हायर देन दिस वैल्यू, देन द नॉमिनल वैल्यू, देयरफॉर दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल कंडीशन। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर है दिस इज नाउ ओवरलोडेड एंड अननेसेसरीली इसके अंदर एक हीटिंग प्रोड्यूस होगी, जो कि बड़ी आसानी के साथ ओवरकम कर सकते थे अगर हमने ट्रांसफार्मर्स को प्रॉपरली सिलेक्ट किया होता। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि 100 केवीए वाला ट्रांसफार्मर यहाँ पे ओवरलोडेड है, वो ज्यादा करंट प्रोवाइड कर रहा है। ज्यादा से मुराद ये नहीं है कि आप कह रहे होंगे यहाँ पे तो 28.8 है, दिस इज 13.9, ज्यादा का मतलब ये कि अपनी नॉमिनल जो रेटिंग है ना उससे, नॉमिनल रेटिंग से ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है 17.2 एम्पीयर ठीक है, इससे ज्यादा है नॉमिनल 13.9 से, ये ज्यादा है 17.2 की वैल्यू। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि पर यूनिट इंपीडेंसेस वर नॉट इक्वल, देयरफॉर, अच्छा ये आप इसको आपस में रिलेट भी कर लीजिएगा ठीक है, आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। सो देयरफॉर हमारे पास समरी क्या है जी, समरी इज प्रीटी सिंपल और आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि जो लो इंपीडेंस वाला जो मेरा ट्रांसफॉर्मर था जिसकी इंपीडेंस कम थी ठीक है, वो क्या किया उसने कि उसने जो है ज्यादा शेयर अपने पास ले लिया लोड का ठीक है, इसकी इंपीडेंस 4% थी, रिमेंबर 100 केवी वाले की,
हमेशा आपके पास ये होगा कि जिसकी परसेंट इम्पीडेंस कम होगी वो ज्यादा करंट उसके पास उसको बेयर करना है, ज्यादा लोड उसको बेयर करना पड़ रहा होगा, ठीक है। सो अगर आपको इसका सोल्यूशन क्या है, मेक श्योर दैट यूनिट परसेंट या पर यूनिट इम्पीडेंसेस जो है वो आपके पास सेम हो, ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव प्रोपोर्शनेट शेयरिंग ऑफ लोड, ठीक है। प्रोपोर्शनेट शेयर का मतलब ये, जैसे वो कहते हैं ना, हिस्सा बकदरे जुस्सा, यानी अगर एक ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी ज्यादा है तो आप उसे ज्यादा करंट पास कराएंगे उससे, ना कि जिस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम है उससे आप ज्यादा करा रहे हैं, ठीक है। सो इट वॉज इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। तो आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आ गई है। यू हैव टू मेक श्योर दैट दीज कंडीशन आर ऑलवेज मेट व्हेन यूजिंग व्हेन यू आर गोइंग फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स। सो विद दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो हमारा टॉपिक है तकरीबन बस खत्म होने वाला है हमारे पास ट्रांसफार्मर का टॉपिक। दिस न्यू टॉपिक इज नाउ ऑटो ट्रांसफार्मर। व्हाट इज एन ऑटो ट्रांसफार्मर, हाउ डज इट वर्क, व्हाट एडवांटेजेस इट ऑफर्स अस, लेट्स सी। अच्छा जी, हमारा जो पावर सेटअप है, यानी जब हम जनरेशन साइट से फिर कंज्यूमर तक आते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं वोल्टेज के, आपको मालूम है, ठीक है। सो अब होता क्या है कि हमारे पास कई बार ऐसी हमें जरूरत पड़ जाती है कि हमें किसी एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर वोल्टेज को एक सर्टेन अमाउंट पे बढ़ाना हो, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मुझे 110 से 120 वोल्ट के ऊपर वैल्यू बढ़ानी है, या अगर रियलिस्टिक फिगर पे आ जाए तो लेट सपोज मेरे पास 13.2 किलो वोल्ट से 13.8 किलो वोल्ट पे जाना है, तो अब इसके लिए क्या मैं एक और ट्रांसफॉर्मर डिजाइन कर रहा हूँ सेलेक्टेड, ठीक है, क्योंकि ये ड्रॉप हमेशा डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए हम करते क्या है कि हम एक 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 डिफरेंट ऑप्शन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये मेरे पास ड्रॉप्स आते क्यों है, ये वोल्टेज मुझे क्यों बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि लेट सपोज मैं चाह रहा था कि 13.8 किलो वोल्ट ही मुझे मिले, लेकिन मेरे पास कुछ लॉसेस की वजह से एक्चुअली मेरे पास जो वोल्टेज है अब आउटपुट पे कम मिल रहा है, तो आपको उसको ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है। तो हम ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या करते हैं कि बजाय इसके कि एक स्पेशल ट्रांसफार्मर की तरफ जाए, सॉरी बजाय कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर जो है जिसमें आपको एक फिक्स प्राइमरी रेटिंग है, प्राइमरी वोल्टेजेस हैं, सेकेंडरी वोल्टेजेस हैं, इस ऑप्शन पे जाएं, वी गो फॉर अ स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर दैट इज कॉल्ड ऑटो ट्रांसफार्मर। ऐसा हम क्यों करते हैं, चलिए देखते हैं। तो आपको यहाँ पे एक कनेक्शन दिखाया हुआ है जो आपको यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। दिस इज एक्चुअली द वाइंडिंग अरेंजमेंट फॉर एन ऑटो ट्रांसफार्मर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखें तो यू विल सी दैट द टू वाइंडिंग्स, यहाँ पे आपको दो वाइंडिंग नजर आ रही है, ठीक है, एक पे एनसी लिखा हुआ है, एक पे एनएससी लिखा हुआ है, ये दोनों वाइंडिंग्स आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं, ठीक है। और अगर आप गौर से देखें तो आपको एसेंशियली ये पूरी एक ही वाइंडिंग नजर आ रही होगी, ठीक है। तो इफ यू पे अटेंशन, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सेम वाइंडिंग, ठीक है। तो यही चीज आपको यहां बताई हुई है स्लाइड्स के ऊपर कि इट इज एक्चुअली वन वाइंडिंग, और इसका एक पोर्शन एक्ट कर रहा होता है एज प्राइमरी, ठीक है, और दूसरा आपके पास सेकेंडरी के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी हम कैसे डिफाइन करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर पे, प्राइमरी उस वाइंडिंग को कहते हैं जहां पे आप अपना इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, थीके? और जो दूसरी वाइंडिंग है दैट इज बाय डिफॉल्ट देन योर सेकेंडरी। अच्छा जी, यहां बता रहे हैं कि द वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन एडिटिव मैनर, ठीक है, यानी द फर्स्ट वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन एडिटिव मैनर टू द सेकंड वाइंडिंग, व्हिच मींस कि एसेंशियली ये दोनों वाइंडिंग चूंकि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो आपस में सिंपली एड अप हो रहे होंगे, ठीक है। सो अगर आपको केवीएल अप्लाई करना पड़े तो यू विल गेट टू नो कि वोल्टेज अक्रॉस दिस वाइंडिंग प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस वाइंडिंग विल बी इक्वल टू द वोल्टेज एट दिस पॉइंट, ठीक है। हमने इसे वी एच कहा है, विच इज रिप्रेजेंटिंग हाई वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, जो इनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग वन और वाइंडिंग टू का, वो तो हम दे रहे होंगे यूजिंग द सेम रिलेशनशिप ऑफ टर्न्स रेशियो जैसे हम नॉर्मल ट्रांसफार्मर में दे रहे थे, ठीक है। अभी देखेंगे अगली स्लाइड के अंदर, वो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। लेकिन जो मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है, इट इज सिंपली द सम ऑफ वोल्टेज ऑन बोथ वाइंडिंग्स, ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है इस केस में वी एच। सो दिस वी एच इज नथिंग बट दिस वी सी प्लस वी सी ई, आपको यहां से नजर आ रहा हो, ठीक है। सो ऑटो ट्रांसफार्मर्स की जो वाइंडिंग होती है, दिस सेटअप इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर। कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपके पास जो वाइंडिंग्स है, दीज वाइंडिंग्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, इनफैक्ट दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड, वेयर एज हियर द वाइंडिंग्स आर
एक्चुअली इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड विथ ईच अदर, ठीक है। यही वजह है कि हम वोल्टेज जो लिख रहे हैं आउटपुट वोल्टेज, दिस इज द सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द टू वाइंडिंग्स, ओके। पिछली अरेंजमेंट में जो आपको ट्रांसफॉर्मर ऑटो ट्रांसफॉर्मर दिखाया गया था वो एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेप डाउन करें, अगेन हम कैसे डिफाइन करते हैं, जहां पे आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं दैट इज डिफाइंड एज द प्राइमरी। अब वो हाई साइड भी हो सकती है, वो लो वोल्टेज साइड भी हो सकती है। पिछले केस में हमारे पास क्या थे जी, इट वॉज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो आपके पास प्राइमरी वॉज लो वोल्टेज एंड सेकेंडरी वॉज योर हाई वोल्टेज। हेयर यू कैन सी that your primary side is high voltage side and secondary is low voltage side. So high voltage को हमने VH से represent किया है और low voltage side को हमने VL से represent किया हुआ है, ठीक है students? अच्छा जी, इसमें जो हमारे पास जो पहली winding है, this is called my common winding, ठीक है। और common क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो winding है ना, ये actually इसके across जो voltage drop बनता है, it is being shared by the low voltage side as well and also by the हाई वोल्टेज साइड एज वेल, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वीएल है, तो वीएल इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस वाइंडिंग, ठीक है, अक्रॉस एनसी। आई होप ये आपको बात समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये आपस में इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है, दिस इज सेम। और अगर आप सेकेंडरी में बात करें तो सेकेंडरी में भी वी एच क्या है, वी एच इसके साथ रिलेटेड है। एसेंशियली एक्चुअली इट इज द सम ऑफ द टू वोल्टेजेस, ठीक है। तो जो मेरे पास यहां से आ रहा है फॉर इंस्टेंस ये हो गया, और नीचे वाली जो वाइंडिंग है सिंपली आपने इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज है उनको एड अप कर लिया, तभी हम इसे कह रहे होते हैं कि दिस इज कॉल्ड कॉमन वाइंडिंग। वेयर एज जो हमारे पास दूसरी वाइंडिंग है जिसको हम स्मॉलर वाइंडिंग कहते हैं, जनरली ये स्मॉल होती है कंपेयर टू द मेन वाइंडिंग और द कॉमन वाइंडिंग, दिस इज कॉल्ड सीरीज वाइंडिंग। और आपको समझ में आ भी रहा होगा कि क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस कॉमन वाइंडिंग। अच्छा, अगर आप यहाँ पे KCL अप्लाई करके देख लें तो आपको खुद नजर आ जाएगा, ठीक है, जो रिलेशन आपको सॉरी रब करने की जगह मैं इस पे कुछ लिखना शुरू हो गया था, माय अपोलॉजीज। तो अगर आप यहाँ पे KCL अप्लाई कर दें तो यू विल गेट टू नो एट दिस पॉइंट, अगर यहाँ पे आप KCL अप्लाई करें, सो दिस इज द करंट इंट्रिंग, दिस इज द करंट ऑल्सो इंट्रिंग एट दिस पॉइंट एंड IL इज लीविंग, so then IL is equal to ISE series current plus the current in the common winding, whereas IH is nothing but your series current which is flowing into the series winding. so ये relationship आपको बहुत आसानी से यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। कुछ और relation देखते हैं, तो चलिए वो अगली slide पे देखते हैं। okay, so जैसे आपको पहली slide पे जब हम auto transformer देख रहे थे तो वहाँ बताया हुआ था कि जो वोल्टेजेस हैं दोनों वाइंडिंग के, कौन कौन सी वाइंडिंग है हमारे पास, वी हैव दिस प्राइमरी वाइंडिंग, वी हैव अनदर वाइंडिंग, सॉरी वी हैव दिस कॉमन वाइंडिंग, वी हैव अनदर वाइंडिंग व्हिच वी सेड सीरीज वाइंडिंग। इनके अक्रॉस जो वोल्टेज की डिवीजन होनी है वो बिल्कुल वैसे ही होनी है जैसे एक नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में हो रही थी, एंड देट वॉज डिपेंडेंट ऑन द टर्न्स रेशियो। एग्जैक्टली आपके पास वो यहाँ पे भी हो रहा होगा, सो वी सी डिवाइडेड बाई वी एस ई यानी कॉमन वोल्टेज डिवाइडेड बाई सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू टर्न्स रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस कॉमन वाइंडिंग डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस इन द सीरीज वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सीरीज वाइंडिंग। तो इन दोनों का रेशियो है, ये बिल्कुल वैसे ही है जब जैसे आपके पास ट्रांसफार्मर में होता था ना, कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में क्या रिलेशन हम अप्लाई कर रहे होते थे, सो अगर मैं वीपी डिवाइडेड बाय वीएस लिखता था तो क्या होता था, इट वाज सिंपली एनपी और एनएस। मैंने आपको बताया था बड़ा आसान तरीका है कि अगर यहाँ पे वीसी है या यहाँ पे वीपी है तो यहाँ पे भी एनपी एनसी होगा इन टर्म्स ऑफ वोल्ट व्हेन यू आर टेकिंग द रेशियो ऑफ वोल्टेजेस। ये कन्वेंशनल में था, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से। और करंट का क्या होता था जी, करंट का रेसिप्रोकल होता था, सो वो सेम रिलेशन हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। सो इफ दिस इज आई सी, आपको ये डायगोनली आपस में कनेक्टेड नजर आ रहे होंगे, ठीक है। सो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है एज कम्पेयर टू द रिलेशन ऑफ वोल्टेज, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप गौर करें यहाँ पे कुछ और वोल्टेजेस आपको दिखाए हुए, दिस वी एल इज योर वोल्टेज अक्रॉस द लोअर बाइंडिंग, ठीक है, लोअर साइड, लोअर वोल्टेज साइड। नाउ दिस कैन बी प्राइमरी, दिस कैन बी सेकेंडरी, हेयर दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो ये वी एल इज माई प्राइमरी वोल्टेज, वी एच, हम जनरली यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं कर रहे होते, हम लो वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग की बात कर रहे होते, हाई वाइंडिंग वोल्टेज वाइंडिंग। सो दिस इज वी एच एंड दिस इज माई
वी एल, और आप देख सकते हैं वी एल इज इक्वल टू वी सी, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल में लगे हुए, एंड वेयर एज वी एच इज गिवन बाय द सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस द कॉमन वाइंडिंग एंड अक्रॉस द सीरीज वाइंडिंग। ये हमारे पास सिंपली बाय केवीएल लगा सकते हैं, आप केवीएल अप्लाई कर लें, तो आप केवीएल अगर आपको अप्लाई करना हो तो आप कैसे अप्लाई करेंगे केवीएल स्टूडेंट, सो दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, ठीक है, सो इफ यू डू दिस, इफ यू अप्लाई केवीएल इन द लूप, दिस लूप अगर आप एक केवीएल अप्लाई लगा दें तो दिस विल बी स्टार्टिंग विद माइनस वी सी एंड प्लस वी, सॉरी माइनस वी सी माइनस वी एस ई प्लस वी एच इज इक्वल टू जीरो, एंड देन वी एच विल बी इक्वल टू सिंपली वी सी प्लस वी एस सी। इसी तरीके से करंट की रिलेशनशिप भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सो हेयर यू कैन सी हमने केसीएल अप्लाई किया इस पॉइंट के ऊपर, आई एल इज इक्वल टू आई सी प्लस आई एस सी। सो आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर है, ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो हम आगे अब आने वाली एनालिसिस में यूज करने जा रहे हैं। So this is actually how the relations are, the basic relations are for an auto transformer. So चलिए थोड़ा सा इसके अंदर और relation देखते हैं कि ये voltage जो है मेरे पास, lower voltage और higher voltage जो है, दोनों side जो है, ये आपस में कैसे related होती है in a auto transformer. Let's see. तो students, we are here discussing the relationship between, we are interested in finding out the voltage relationship between the two sides, so this VL and VH, how these are related. So let's start with the KCL, sorry, with the KVL, and we know that if we apply KVL, then we know VH is equal to VC plus VSC as discussed in the previous slide. Now we know that VC divided by VSC is equal to NC divided by NSC, जो हमने पीछे relationship देखा था voltage का, यानी इन दोनों winding के दरमियान जो relationship था, remember that voltage ratio was, that relation was between the windings, not between the two sides. Here we are interested in finding out the voltage relation between the two sides. क्योंकि ये एक auto transformer है, तो sides के दरमियान relationship और windings के दरमियान relationship दो डिफरेंट चीजें, कन्वेंशनल में सेम ही होता था क्योंकि एक साइड के ऊपर एक ही वाइंडिंग होती थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू VC डिवाइडेड बाय VSC इनटू, सो इनटू दिस इक्वेशन, ठीक है, वी यूज दिस रिलेशनशिप, हाउ डू वी यूज दिस, कि हमने VSE को इन टर्म्स ऑफ VC पुट कर दिया यहाँ पे, इफ यू पुट इट इनटू दिस रिलेशनशिप आगे काम बड़ा आसान है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ ये भी आपको मालूम हो कि हम VC की जगह पे VL लिख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वोल्टेज अक्रॉस द कॉमन वाइंडिंग इज नथिंग बट द वोल्टेज एट द लोअर साइड, ठीक है, वी एल। सो सिंपली वी सी को रिप्लेस कर दें बाय वी एल एंड पुट इट एंड कंटिन्यू योर एनालिसिस। इफ यू डू सो तो आपको नजर आएगा कि ये रिलेशन आपके पास कुछ यूं हो गए, ठीक है, एंड दिस इज हेयर वी एल डिवाइडेड बाई वी एच इज इक्वल टू एन सी डिवाइडेड बाई एन एस सी प्लस एन सी। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप, अगर आप गौर करें तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल वैसे ही आया है जैसे रिलेशनशिप था बिटवीन वाइंडिंग, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे VL मेरे पास लो वोल्टेज साइड है, तो इसके अक्रॉस, इसके साथ से जब मैं VL यूज कर रहा हूँ, VL और VH निकाल रहा हूँ, इट इज इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ वाइंडिंग, ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस माय कॉमन वाइंडिंग डिवाइडेड बाई द टोटल वाइंडिंग, ठीक है, विच इज वी एच साइड, क्योंकि वी एच पे क्या हो रहा है, दोनों वाइंडिंग आ रही है, इस वजह से टर्न्स रेशियो भी यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से आ रहे हैं। सो यू कैन फिगर इट आउट कि ये किस तरीके से पिछले वाले के साथ रिलेटेड है, बिल्कुल उसी, अब बिल्कुल एक ही तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। सो अगर हम सेकेंडरी एक ट्रांसफॉर्मर होता था तो हम क्या लिखते थे, वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस, या वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, तो बिल्कुल यहाँ पे उसी तरीके से हमने किया हुआ है। तो अब स्टूडेंट आप गेस कीजिए कि जब हम करंट का रिलेशन अप्लाई करेंगे, सो इफ आई सी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप और व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द बिटवीन आईएल एंड आईएच, तो वो क्या होगा, ठीक है। और कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर को जहन में रखिए, यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कीजिए और उस रिलेशन को अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसको दोबारा वीडियो स्टार्ट कीजिए, रिज्यूम कीजिए और देखिए कि अगली स्लाइड के ऊपर हमने जो रिलेशन किया है क्या आपको फिगर आउट कर पाए थे या नहीं। सो आई होप आपने रिलेशन लिख लिया होगा, यहाँ मैं आपको वो रिलेशनशिप ड्राइव कराने जा रहा हूँ। सो वी स्टार्ट बाय अप्लाइंग केसीएल एट दिस नोड, एंड दिस इज नथिंग बट आई एल इज इक्वल टू आई सी प्लस
आई एच लिख लें आप, आई एस सी लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। तो आगे हम यही करने वाले हैं। अब मुझे यहाँ पे ये मालूम है कि आई सी इज एक्चुअली इक्वल टू दिस रिलेशनशिप जो कि पीछे मेरे पास था, जस्ट पुट इट इन टू दिस इक्वेशन एंड यू वेन यू पुट इट इन टू दिस इक्वेशन इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। साथ साथ मुझे ये भी मालूम है कि आई एच इज इक्वल टू आई एस सी जो मैंने जैसे आप पिछले भी डिस्कस किए, वंस यू पुट इट इनटू द इक्वेशन इनटू द वेरी फर्स्ट इक्वेशन व्हिच वाज दिस इक्वेशन एंड यू सिंप्लीफाई दिस दिस टर्म्स टुगेदर फाइनली यू विल गेट दिस रिलेशनशिप एंड नाउ यू सी दिस इज एग्जैक्टली द रेसिप्रोकल ऑफ द प्रीवियस रिलेशनशिप एंड इट मेक्स सेंस, ठीक है। क्योंकि कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपसे कहा था कि आप वो रिलेशनशिप लिख लीजिए, आपने वो लिख लिया होगा और ये रिलेशनशिप बिल्कुल वही हुआ होगा स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, बट बिफोर जस्ट फिनिशिंग इट ऑफ हम यहाँ पे कुछ एडवांटेज देखना चाह रहे हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, क्या वो हमें ऑफर करते हैं ओवर कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर। तो चलिए थोड़ी सी एनालिसिस को मजीद कंटिन्यू करते हैं। हमें मालूम है कि इनपुट और आउटपुट अपेरेंट पावर अगर मुझे देनी हो तो मैं कैसे दे सकता हूँ, मुझे मालूम है कि वो दोनों बराबर ही होनी है, चाहे ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो चाहे कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर हो। सो इनपुट की जो मेरे पास अपेरेंट पावर इट इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप वी एल आई एन और आउटपुट साइड के ऊपर इट इज वी एच इंटू आई एच। हम कहते हैं कि दोनों सेम है, ठीक है। तो ये क्यों से कैसे सेम है आप पूछ सकते हैं कि भाई हाउ आर दिस सेम, कैन यू प्रूव इट। तो आपने ये दो रिलेशनशिप पिछली स्लाइड के ऊपर देखे थे, हमने आइडेंटिफाई किए थे, हमने करंट का रिलेशनशिप निकाला, हमने वोल्टेज का रिलेशनशिप निकाल लिया है, ठीक है। इनके रेशो मुझे मालूम, अगर मैं इन दोनों रिलेशनशिप को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आई एल और वी एल मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आई एच और वी एच मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, जबकि जो राइट हैंड साइड्स है वो आपस में जब दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो दीज विल कैंसिल आउट ईच अदर। कैसे, दिस टर्म विल कैंसिल आउट दिस टर्म एंड this term will cancel out this term. So essentially bachega kya, you will find out that vh into ih is equal to vl il, yani ki input apparent power is equal to my output power, theek hai, yahi hai output power is equal to input power. yahan pe hum keh rahe hain ki this is equivalent to, this is actually equivalent टू द अपेरेंट इनपुट आउटपुट पावर, क्योंकि हमने कहा दोनों सेम है तो हमने एक नाम यूज कर लिए एस आई ओ, दिस मीन्स अपेरेंट आउटपुट पावर एट द इनपुट एंड एट द आउटपुट विच इज सेम। ओके, तो हमने ये टर्म यूज किया एस आई ओ, ये हमने क्यों इसे डिफरेंट यूज की अभी देखते हैं। अच्छा, ये तो मेरे पास ये अपेरेंट पावर जो मुझे इनपुट और आउटपुट पे मिल रही है, लेट्स सी कि जो मेरे पास वाइंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट आउटपुट का मतलब ये नहीं है कि primary and secondary winding, this is an auto transformer, so here the relationships are different. Let's find out the apparent power in the winding. So we know that the apparent power in the winding is also same, this is given by VC into IC, dono ko multiply kar lijiye ya aap VSE into ISE ko multiply kar lijiye, you will get the apparent power in the winding. To chaliye isko mazid thoda sa dekhte hain. Okay, so the apparent power in the winding is given by this relationship, voltage into current, VC into IC. And I know by simply applying KCL, this IC can be written down as IL minus IH. And let's then solve it further. We shall get VL IL minus VL into IH. Okay, now this IH can be written as simply this by this relationship, NC divided by NSC plus NC into IL. Simply replace the value of IH into this first equation, and then by simply manipulating some variables and simplifying, you will get your relationship. This is an important relationship, ठीक है? And इसको अगर आप swap करके लिख लें तो आपके पास relationship कुछ ही आ जाएगा. This SIO, this is my output apparent power which I shall be getting, and this is the apparent power which the winding should have, ठीक है? यानी ये जो एस डब्ल्यू वाइंडिंग अपेरेंट पावर है, इतनी आपकी अपेरेंट पावर वाली वाइंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, इतनी आपको अपेरेंट पावर वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो दिस मींस दैट एस आई ओ आउटपुट अपेरेंट पावर इज गोइंग टू बी लार्जर देन द अपेरेंट पावर इन द वाइंडिंग, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर आपने कम अपेरेंट पावर वाली वाइंडिंग यूज की है
तो आप जब उसे ऑटो ट्रांसफार्मर में यूज करने जा रहे होंगे तो आपके पास एक्चुअली जो आउटपुट पे जो अपेरेंट पावर मिल रही होगी वो ज्यादा मिल रही होगी एज कम्पेयर टू फॉर विच द वाइंडिंग हैज बीन डिजाइन. मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दिस फैक्टर इज लार्जर देन वन. ठीक है ना, ये चीज क्लियर है. क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर इज greater than the denominator, so therefore the number will be a positive number. So the advantage with auto transformer is very clear. I hope from this slide that you get more output power than for which the winding have been designed. ठीक है, so this is different from conventional. Conventional में जो winding की आपके पास apparent power होती है वही आपके पास output की apparent power आपको मिलने जा रही है. This means कि आपका advantage क्या है, तो उसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं. वो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए वो एग्जांपल देखते हैं. ओके नाउ जो अभी हमने एडवांटेज डिस्कस की है उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल. सो हियर वी हैव अ 5000 केवी ऑटो ट्रांसफार्मर. दिस इज माय अपेरेंट पावर, आउटपुट अपेरेंट पावर. ओके, सो दिस इज SIO जो हमने देखा था. ये मेरे पास ऑटो ट्रांसफार्मर की है एंड इट इज कनेक्टिंग 110 किलोवाट सिस्टम टू 138 kilowatt system. Students, is this a step up configuration or step down configuration? I hope it is pretty clear. It is a step up configuration. Okay, so the very first point is that we need to find out the ratios. These ratios are pretty straightforward. Aap in dono voltage ke relationship ko use karke you can find out that it is equivalent to 110 divided by 28. So this is the ratio which we have to use, NC or NSE. तो चलिए अगर ये रेशो मुझे पता चल गया है तो लेट्स पुट इट इनटू दैट इक्वेशन जो हमने पीछे ड्राइव की है जिसके अंदर मैंने रिलेट की थी अपने आउटपुट पावर को विद माय वाइंडिंग अपेरेंट पावर. सो उस रिलेशन को यूज करके आई कैन यूज अदरवाइज रिलेशन, अदर वे अराउंड रिलेशनशिप, एस डब्ल्यू इज गिवन बाय दिस. पुटिंग इट इनटू दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू हियर. दिस इज सिंपली 1015 केवी. अच्छा, ये रिलेशनशिप आप थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे आई ये वैल्यू, जस्ट इस रिलेशन को यूज कीजिए. एनसी को इन टर्म्स ऑफ एनएससी पुट कर लीजिए और यहाँ लिख लें, आपके पास बाय डिफॉल्ट ये रिलेशनशिप बन जाएगा. ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है जस्ट राइट डाउन मी एन ईमेल और इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेरीज. सो द अपेरेंट पावर फॉर विच द वाइंडिंग शुड बेयर और शुड हैव इट्स अराउंड 1000 केवीए. इफ यू सी दिस इज लाइक 5 टाइम्स लेस देन दिस वैल्यू. ओके, सो 1000 केवी को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको आउटपुट 5000 केवी मिल रही होगी. तो देख रहे हैं कि अभी कितना एक मेजर एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पर एक ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है, ओवर अ कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर. सो ये हमारे पास सवाल हो गया है. आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है. सो द समरी इज दिस दैट ऑटो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैन बी मेड मच स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव देन द कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर. ठीक है, जब नंबर ऑफ टर्न्स कम यूज करने हैं मुझे उनकी जो अपेरेंट पावर है वो कम यूज कम अपेरेंट पावर वाली वाइंडिंग डिजाइन करनी है, अकॉर्डिंगली मैं कॉइल बनाऊंगा ना जी, क्योंकि ये इतनी पावर को हमें प्रोवाइड कर सके तो इस वजह से इसकी कॉस्ट भी कम होगी. ऑब्वियसली इट विल बी लेस एक्सपेंसिव. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ एक एग्जाम्पल है वो मैं आपके साथ शेयर डिस्कस कर रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, लेट्स सी व्हाट इज दैट एग्जाम्पल. सो स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे और ये आपको एक सवाल गिवन है. ठीक है, 100 वोल्ट एम्पियर ये आपके पास रेटिंग आ गई है. 120 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर इज टू बी कनेक्टेड सो एज टू फॉर्म अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ठीक है, स्टेप अप बनाना है. सो मेरे पास एक वाइंडिंग 120 वोल्ट है उसके अक्रॉस और उसका जो दूसरा पार्ट है उसके अक्रॉस 12 वोल्ट आ रहा है. इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी सेकेंडरी रेटिंग है. ठीक है, अब प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 120 वोल्ट इज अप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर. व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर. ठीक है, ये बता रहा हूँ कि ये जो वोल्टेज गिवन है 12, this is not your secondary voltage. ठीक है, secondary voltage तो आपको identify करना है. And what is the maximum volt ampere rating in this mode of operation? Volt ampere यानी आपने output दिखाने के output maximum जो rating आ रही होगी वो क्या आ रही होगी. ठीक है, और यही चीज आपको बताया गया कि वो आप discuss करें कि वो rating का advantage क्या है आपके पास. ठीक है, so this is your home task. I'm not going to do this a very easy relationship. A very easy example, जो simple आप पीछे जो relationships किए आप उसे apply करें and then you will see कि आपके पास क्या results आ रहे हैं. आप अपने answers को Chapman से verify कर सकते हैं. This is from Chapman. That's it students from my side today. I hope lecture आपको समझ में आया होगा.
आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी था बट आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हो. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा. बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर था इट वॉज मोर फ्रॉम थियोडोर विल्डी एंड चैपमैन, देयर वॉज अ टच फ्रॉम ह्यूबर्ट एज वेल. और जो ये वेबसाइट है इसको एक जमाने में मैंने रेफर किया था, ऑल्दो इट्स नॉट बीन स्पेसिफिकली यूज बट स्टिल आई थिंक इट्स वर्थ इट कि इसको रेफर किया जाए. ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप टू सी यू इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर नेक्स्ट वीक. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज एंड मे अल्लाह बी विद ऑल ऑफ अस. आमीन.